शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से शुरू होकर विजयादशमी तक चलने वाले इस शारदीय नवरात्रि में सारा शहर मानो माता रानी की उपासना एवं आराधना में लीन हो गया है। इसी श्रृंखला में जूना बगड़गंज स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर सेवा समिति की ओर से भव्य कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान माता के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर प्रांगण में दिव्य मनोकामना ज्योत प्रज्वलित कर बड़े ही भक्तिभाव से माता रानी की उपासना की जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्रि के उत्साह को देखते हुए बड़ी ही धूमधाम के साथ 9 दिन तक इस महापर्व को मनाया जाएगा, जिसमें हर दिन किसी न किसी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम रन माता के प्रति अपनी आस्था प्रकट की जाएगी। पहले दिन से ही भव्य आरती एवं जागरण की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से इस जागृत मंदिर में भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं और पूरे 2 साल के बाद एक बार फिर इस मंदिर प्रांगण में रौनक देखी जाएगी। अन्नपूर्णा माता मंदिर सेवा समिति की ओर से अध्यक्ष श्री रविन्द्र जी जुगेली, उपाध्यक्ष विजय जी नीलकंठ आमगे, कोषाध्यक्ष विजय चिंतामन जी आमगे, सचिव गणेश जी कुम्भारे, दिलीप जी आमगे, सह सचिव राजू जी शेंद्रे, ललित जी आमगे एवं समस्त पदाधिकारी मंदिर कमेटी के सदस्य अपना विशेष सहभाग दे रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरे 9 दिन तक मंदिर कमेटी की ओर से विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सभी नागरिकों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। मंदिर प्रांगण में 2 तारीख को भव्य ढोल पथक के साथ माता की आरती की जाएगी, जिसकी रौनक देखने लायक रहेगी। इस अवसर पर ढोल पथक की भी विशेष उपस्थिति रहने वाली है, जो अपने हुनर से पूरे शहर वासियों का मन मोह लेने वाली है। आपको बता दें कि इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थिति समाज सेविका रुतिका ताई डाफ मसमारे की रहेगी। अतः आप सभी माता भक्तों से नम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्शाकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। इनमें से न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रूपा पंडित हरोडे।